गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, लास्ट वीडियो में हमारी एक्सरसाइज फर्स्ट हो चुकी थी मैट्रिक्स की। आगे नेक्स्ट है ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन है मैट्रिक्स के, बेसिक ऑपरेशन ऑन मैट्रिक्स। कुछ ऑपरेशन है मैट्रिक्स के, जैसे फर्स्ट ऑपरेशन है, जो ऑपरेशन मतलब ये जो एडिशन है, मल्टीप्लिकेशन है, माइनस है, इनको हम मैथ में क्या बोलते हैं, ऑपरेशन बोलते हैं। तो फर्स्ट ऑपरेशन है स्केलर मल्टीप्लिकेशन का। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये कि स्केलर मतलब कोई कांस्टेंट होना चाहिए, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मल्टीप्लिकेशन किसी स्केलर से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके, पिछले एक्सरसाइज में हमने क्या किया था, ऐड किया था कि कोई भी मैट्रिक्स है तो उसको हम जो एक्स और वाई की वैल्यू थी वो निकालना सीखा था। आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, वो एक मैट्रिक्स है उसके हम मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, जैसे आपके पास कोई ए मैट्रिक्स है 1, 2, 2, 1, ये मैट्रिक्स है, ठीक है। अगर मैं इसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करता हूँ तो तब क्या करें, इसमें बनाएंगे स्केलर मतलब वो भी कॉन्स्टेंट 2, 4, 5, 6। अगर मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, ए को 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इसकी पूरे एलिमेंट्स को 5 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 इसकी टू के साथ, 10 इसकी टू के साथ, 10 इसकी 5 के साथ, 5 मतलब क्या हुआ, कोई भी स्केलर है तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होगी, ना कि एक एलिमेंट्स के साथ, बोलते हैं स्केलर मल्टीप्लीकेशन। दूसरा है मैग्नीट्यूड ऑफ मैट्रिक्स। एक मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मैट्रिक्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, जैसे आपके पास एक मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, ये मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4। अगर मैं इसका माइनस करता हूँ, इसका माइनस करता हूँ तो सारे एलिमेंट के साथ क्या होगा, माइनस होगा। जैसे माइनस का 1, माइनस का 3, माइनस 2, माइनस 4, ठीक है। कि अगर हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स है, अगर उसको हम माइनस करेंगे तो उसके सारे एलिमेंट्स का माइनस होगा, ना कि एक एलिमेंट्स। तो ये हमारे पास एक स्केलर मल्टीप्लिकेशन है, एक नेगेटिव मैट्रिक्स है, कोई भी मैट्रिक्स का नेगेटिव क्या होगा, सभी एलिमेंट्स का नेगेटिव। उसके बाद है एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन निकालना है मैट्रिक्स का, कोई भी दो मैट्रिक्स है, तीन मैट्रिक्स है, चार मैट्रिक्स है, उनको हम कैसे ऐड करेंगे। एडिशन के लिए कंडीशन है कि जब भी कोई भी दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे, तो सेम ऑर्डर होना चाहिए, कि जब भी हम ऐड करेंगे तो सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हो, सेम ऑर्डर तभी हम ऐड करते हैं, सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स हो। जैसे अगर आपकी मैट्रिक्स ए है वो 2x3 की है, तो दूसरी भी हमारी 2x3 की हो, भी सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स है, तभी हम ऐड कर सकते हैं। जैसे जैसे ए मैट्रिक्स आपके पास 2, 3, 4, 5 ये है, बी आपके पास 1, 2, 3 2x2 की है, 2x2 की है, 2x2 के सेम ऑर्डर की हो सकते हैं, तो हम इसको क्या करेंगे ऐड करेंगे। कैसे ऐड करनी है, ए प्लस बी, तो ए मैट्रिक्स आपके पास 2, 3, 4, 5, प्लस में बी मैट्रिक्स है 1, 2, 3, 4, ठीक है।
ऐड करेंगे हम लोग में आप 2 + 1 ये एलिमेंट सेट करनी है। तो ऐड हम कैसे करेंगे, कंडीशन थी पहले की हमारे पास से ऑर्डर होना चाहिए, उसके बाद कैसे ऐड करेंगे कि फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट एलिमेंट के साथ जैसे 2 + 1 पे पहला एलिमेंट के साथ 2 और 1 कितना 3 + 2 3 और 2 कितना 5, उसके बाद 4 + 3 4 और 3 कितना हो गया 7, 5 + 2 5 और कितना हुआ 1। ठीक है, ये अब सेम ऑर्डर के दो ऐड कर सकते हैं। मान लो आपके पास बी मैट्रिक्स है, जैसे दे देते हैं 2 3 4 5 6 7 फिर ये ऐड ए और बी ऐड नहीं होती। ठीक है, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स लिए कैंसिल कर देंगे, एडिशन ये पर इसको मैट्रिक्स आ जाएगा। ठीक है, तो ये एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। उसके बाद है डिफरेंस, डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस, जैसे हमारा एडिशन था ऐसे ही हमारा डिफरेंस ऑफ मैट्रिसेस है कि कोई भी दो मैट्रिक्स का डिफरेंस, दो या तीन मैट्रिक्स का डिफरेंस कैसे निकालेंगे। तो वही जो उसमें कंडीशन थी कि सेम ऑर्डर की मैट्रिक्स होने चाहिए तभी हम ऐड कर सकते हैं, ऐसे ही डिफरेंस में है तो कोई भी दो मैट्रिक्स तभी हम माइनस कर सकते हैं अगर वो सेम ऑर्डर की मिलेगी। यहाँ पे क्या होना चाहिए, सेम ऑर्डर की, तभी हम कोई दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास ए मैट्रिक्स है 2 3 4 5 और बी मैट्रिक्स है 1 2 3 4। ठीक है, हम क्या करेंगे, ए में से बी माइनस करेंगे तो ए 2 3 4 5 - 1 2 3 4। ठीक है, तो इसमें माइनस करते हैं, वही जैसे हमने एडिशन के फर्स्ट एलिमेंट मतलब कोरस्पोंडिंग एलिमेंट ऐसे ही इसमें हम माइनस करेंगे कि 2 - 1 फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट, तो 2 - 1 1 आ गया, 4 - 3 ये भी 1 आ गया, 3 - 2 ये 1 आ गया, 5 - 4 1। ठीक है, तो ये ए माइनस बी ये डिफरेंस आ गया दो मैट्रिक्स का, कि सेम ऑर्डर है तो हम माइनस कर सकते हैं, अगर सेम ऑर्डर नहीं है तो फिर हम माइनस नहीं कर सकते। उसके बाद इसकी मैट्रिक्स की कुछ प्रॉपर्टी है, ए के दो प्रॉपर्टी बनूंगा क्योंकि सिंपल है बिल्कुल, बाकी आपने करने हैं। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए मैट्रिक्स बाय ए स्केलर। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी है इफ ए मैट्रिक्स है ए आई जे एंड बी है बी आई जे आर टू मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड ए इज एन स्केलर एनी स्केलर देन ए ए प्लस बी इसके प्रूफ कर रहे हैं ए ए प्लस ए ये प्रूफ करना हमें कि अगर हमारा कोई स्केलर है और अगर कोई दो मैट्रिक्स को ऐड करेंगे तो ए प्लस ए बी के इक्वल आएगा। इसका प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे कि के ए प्लस बी लेफ्ट हैंड साइड लेके चले के, जो ए हमारे पास ये है हमारे पास ए आई जे प्लस बी है बी
आई जी, ये मैट्रिक्स है मतलब एलिमेंट्स है इसके अंदर। और अभी अभी हमने पढ़ा है स्केलर मल्टीप्लीकेशन। स्केलर मल्टीप्लीकेशन क्या था कि कोई भी जो स्केलर है कॉन्स्टेंट है वो सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई होता है। जब हमारे पास मल्टीप्लाई आ गया तो के स्केलर तो इसके सारे के साथ साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ए जे प्लस के बी आई सी। और ये हमारा क्या है भी मैट्रिक्स के किसके इक्वल है, ये ए के इक्वल टू। मैं वापस इनपुट कर सकता हूँ मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास ये मैट्रिक्स आ गई, तो ये आपके पास भी आ गई। तो बिल्कुल सिंपल है, सारे प्रॉपर्टी बिल्कुल सिंपल है। दो तीन प्रॉपर्टी और है वो सिंपल ऐसे मल्टीप्लाई करने हैं, बिल्कुल सारे के प्लस ए प्लस बी पहले हम एलिमेंट्स रखेंगे उसके साथ उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, उसके बाद के ए प्लस बी किसके इक्वल आ गया, के ए प्लस के बी के इक्वल आ गया। ये इसकी प्रॉपर्टी थी फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो ऐसे ही सेकंड प्रॉपर्टी है वो बिल्कुल सेम ही है, उसमें आई प्लस ए है, तो सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी ये सेम है, ट्राई कर लेना ये। उसके बाद है आगे कम्यूटेटिव और एसोसिएटिव। जैसे हमारा सिंपल होता है कि कॉम्पिटेटिव क्या होता है, कोई दो नंबर है जैसे 2 + 3 या 3 + 2 आएंगे, या ए प्लस बी बी प्लस ए, ठीक है, ये हमारा सिंपल नंबर है। क्या मैट्रिक्स में भी कॉम्पिटेटिव अप्लाई होता है चेक करेंगे कि इसमें क्या होगा, ए प्लस बी मैट्रिक्स आपकी तो 3 + a मैट्रिक्स इक्वल ही आएंगे। तो फिर से बातें हैं ये उसके बाद है एसोसिएटिव क्या होता है, इसमें कॉम्पिटेटिव में दो नंबर होते हैं उसमें तीन, जैसे मान लिया 1 + 2 + 3, अगर मैं पहले 2 को ऐड करता हूँ कितना हुआ 3, और फिर 3 को ऐड मैं 3 ऐड करता हूँ तो 6, यहाँ पे 1 2 अगर मैं ऐसे कर देता हूँ भी पहले 2 को ऐड करता है यहाँ लास्ट 2 को ऐड करता है, तो यहाँ 2 और 3 कितना हो गया 5 और 1 6 हो गया। दोनों कंडीशन में यहाँ 3 + 3 यहाँ 1 + 5 यहाँ 6 और यहाँ 6, तो एसोसिएट में 3 नंबर रहते हैं कि पहले 2 नंबर को ऐड करो और फिर दूसरे लास्ट में 2 नंबर को ऐड करो। तो एसोसिएट में क्या होगा कि आपके पास मैट्रिक्स आते हैं क्योंकि मैट्रिक्स पे अप्लाई करते हैं तो एसोसिएट कम्यूटेटिव, तो आपके पास 3 मैट्रिक्स होगी a+b+c, यहाँ पे भी a+b+c, पहले 2 मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, दो मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद जो थर्ड मैट्रिक्स है उसमें ऐड करेंगे, यहाँ पे बी सी को ऐड करेंगे, पहले बी सी को, जो बी सी का आएगा उसके बाद ए इसमें ऐड कर देंगे, तो क्या आएगा तीनों इक्वल आ जाएगा, a+a+b+c a+b+c। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया है तो हमारा सिंपल एग्जाम्पल है नंबर्स का, ये मैट्रिक्स का भी मैट्रिक्स को क्या करो, पहले 2 को ऐड करो तीसरे में ऐड करें, या पहले 2 लास्ट 2 को ऐड करें या फर्स्ट में ऐड करें, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसलिए एसोसिएटिव। उसके बाद है एडिटिव। एडिटिव होता है जोड़, जिससे हमारे पास कोई फर्क ना पड़े, ऐसी चीज जो हमारे पास इसमें ऐड करें इसी तरह का कोई फर्क ना पड़े, जैसे एडिटिव ठीक है। एडिटिव क्या होता है, जोड़ एडिशन, जोड़ में ऐसे कौन
सी मैट्रिक्स, कौन सा नंबर है जिसको हम किसी में ऐड करें कोई फर्क ना पड़े। जीरो एक ऐसा नंबर है किसी में ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। वन में जीरो ऐड करेंगे वन आएगा, टू में ऐड करेंगे टू आएगा, जीरो किसी में ऐड करो कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए एडिशन की जो आइडेंटिटी वो क्या बन गई, जीरो बन गई। लेकिन बात चली हुई हमारी मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स में ऐसी कौन सी मैट्रिक्स है जिसको हम किसी में ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वो आता हो आपने जो हमने किया था टाइप ऑफ मैट्रिक्स। टाइप ऑफ मैट्रिक्स में एक ऐसी मैट्रिक्स थी जीरो मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट्स जीरो थे, तो जीरो एलिमेंट्स है, सारे जीरो एलिमेंट्स है, जीरो एलिमेंट्स को किसी में ऐड करें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे पास ऐसे मान लें अगर ए मैट्रिक्स है, इसमें कौन सी मैट्रिक्स ऐड करें जिससे कोई फर्क ना पड़े, तो एक ऐसे ही मैट्रिक्स हमारे पास जीरो मैट्रिक्स ए ही आएगा, या जीरो में ए मैट्रिक्स ऐड करें तब भी क्या आएगा, ए आएगा। जैसे मान लिया ए मैट्रिक्स आपके पास 1 2 3 4 है और ओ मैट्रिक्स, ओ मैट्रिक्स जीरो को क्या करते हैं, जीरो जीरो जीरो। जब हम इसमें ऐड करेंगे ए प्लस जीरो को ऐड करेंगे तो जी 1 0 बन जाएगा, यहाँ 2 आएगा, यहाँ 3, यहाँ 4 सेम आ जाएगा। इसलिए जब हम ऐड करेंगे वही सेम आ जाता है, वो हमारा एडिटिव आइडेंटिटी बनता है। जैसे 2 में 0 ऐड करेंगे एडिशन में 0 तो आएगा, ये तो नंबरिंग के लिए हमारे पास नंबर जो काउंटिंग होती है वो उसके लिए है, ये हमारे पास मैट्रिक्स के लिए ठीक है। उसके बाद एडिटिव इनवर्स, एडिटिव क्या होता है, जो इनवर्स मीन उल्टा, एडिटिव इनवर्स ठीक है। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव मतलब जोड़, इनवर्स में उल्टा। तो अब जैसे हम सिंपल लेते हैं, जोड़ होता है, सम होता है, हमारा एडिशन होता है, एडिशन का उल्टा कौन सा होता है, सब्ट्रैक्शन का माइनस होता है, डिफरेंस होता है भी। तो यहाँ मैट्रिक्स है हमारी कि जैसे हमारा 2 है, माइनस करेंगे तो माइनस होता है तो क्या है, जीरो आए। इसका मतलब क्या हुआ है कि हम किसी में कोई माइनस करते हैं अगर वो जीरो आ जाता है तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा, क्योंकि कोई नंबर है अगर उसको जीरो बनाता है तो उसका क्या हुआ, वो एडिटिव इनवर्स हुआ। एडिशन में है ये, मल्टीप्लीकेशन में अलग चीज़ है, मल्टीप्लीकेशन का इनवर्स अलग पड़ेगा। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, उल्टा डिवाइड होता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे एडिशन में ऐसे, एडिशन में ऐसे कोई भी चीज़ ऐड करते हैं अगर वो जीरो आ जाते हैं तो उसका क्या बनेगा, इनवर्स बनेगा। तो मैट्रिक्स में क्या है कि अगर हम एक मैट्रिक्स में कोई ऐड कर देते हैं और वो जीरो बन जाता है, या एक्स में ए ऐड कर देते हैं मतलब जीरो आ जाता है, मतलब जीरो मैट्रिक्स आ जाती है, तो यहाँ पे हमारा जो एक्स होगा ए का इनवर्स होगा या ए एक्स का इनवर्स होगा। कि कोई भी मैट्रिक्स है अगर हम उसमें ऐड करते हैं और वो जीरो बन जाती है तो वो वहाँ पे क्या होगा, एक्टिव इनवर्स होगा। जैसे इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे हमारे पास मान लो एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 है और यहाँ एक्स मैट्रिक्स है -1 -2 -3 -4 ठीक है। अब ये देखो अगर ये हम ए में एक्स ऐड करेंगे, ए में एक्स ऐड करेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो। अब देखो ऐड करने के बाद ये हमारा जीरो आ गया, जीरो आ गया, तो इसलिए ए प्लस एक्स जीरो आ गया, तो ये क्या हुआ, एडिटिव इनवर्स। तो
तो ये बेसिक ऑपरेशन थे हमारे मैट्रिक्स के, ये बेसिक कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके क्या करेंगे, साइज करेंगे, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे। तो ये आपने रिवाइज करना है। थैंक्स।